नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीयू न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद वैस। जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने विभिन्न जनप्रतिनिधियों और विभागों के अधिकारियों के साथ तहसील पूर्णागिरी के टनकपुर बनबसा अंतर्गत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों का स्थली और भ्रमण कर योजनाओं का निरीक्षण किया और क्षेत्र की जनता की समस्याओं से रूबरू हुए। जिलाधिकारी ने क्षेत्र की सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। क्षेत्र के विभिन्न गाँवों में शारदा नदी, कैरोड़ा नाला और अन्य नालों से हो रहे भूकटाव स्थलों के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी द्वारा सिंचाई विभाग को तत्काल अस्थायी व्यवस्था करने के साथ ही भूकटाव के स्थायी रोकथाम के लिए बाढ़ सुरक्षा के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न विभागों के कराए जा रहे विभिन्न विकास कार्यों का भी स्थलीय निरीक्षण करने के साथ ही ग्रामीणों से क्षेत्र की समस्याओं की भी जानकारी ली। भ्रमण के दौरान ग्रामीणों ने गाँव में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की मांग पर जिला शिक्षा अधिकारी को शीघ्र ही गाँव का सर्वे कर विद्यालय खोले जाने के प्रस्ताव तैयार कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जिला योजना की बैठक के बाद सभी अधिकारीगण वहाँ उपस्थित थे टनकपुर क्षेत्र में। उसी का फायदा उठाते हुए हमने वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया। नायक गोट, उचौली गोट, गेंडाखाली नंबर 3, सलानी गोट, बूम क्षेत्र, तो ये सारे जो गाँव हैं हमारे, इनका निरीक्षण किया गया। यहाँ पे जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, जो पेयजल की सुविधाएं हैं, जो शिक्षा की सुविधाएं हैं और सबसे ज़्यादा जो सिंचाई के जो वर्क्स होने हैं, जो अभी सैंक्शन भी हो चुके हैं, होने भी हैं और कुछ नए प्रस्तावित भी करने हैं, तो एक यहाँ पे जिला पंचायत सदस्य, हमारे ग्राम प्रधान और बाकी जनप्रतिनिधिगण उपस्थित थे। उनके साथ एक मिल के ये दौरा किया गया है और आने वाले समय में हम यही प्लानिंग हमारी रहेगी कि आने वाले साल में एक वृहद 5 वर्षीय प्लान बनाया जाए और कौन से काम पहले साल में हम टेकअप करेंगे उसके संबंध में फ्यूचर में एक मीटिंग होगी, बट एक प्रिलिमिनरी सर्वे कर लिया गया। थैंक यू।